फ्रेंड्स, एक बार फिर से नई एनर्जी के साथ एपिसोड 2 हमारी सीरीज का, जहां पे हम ट्रेड करने वाले हैं डॉलर 50 के साथ। मतलब बिगिनर्स के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी सीरीज रहने वाली है। यहां पे देख सकते हैं, डे 1 में हमने स्टार्ट किया था डॉलर 50 के साथ, $5 का जो टारगेट है वो हमने कंप्लीट किया, तो 55.74 यानी 55.74 तक हमने अचीव कर लिया था। 0.74 एक्स्ट्रा था, बट डजंट मैटर, ठीक है। 3.5 की आज के दिन हमको ट्रेड करनी है, टोटल ट्रेड्स मैक्सिमम 5 लेनी है, ठीक है। तो चलिए आज के दिन की ट्रेडिंग जो है वो शुरू करेंगे। आज एचईएमओ को क्लाउड की जो स्ट्रेटजी है काफी अच्छी वर्क कर रही है मार्केट पे, तो यहाँ पे मैंने पहले से ही वो अप्लाई करके रखी है। यार ये जो एपिसोड है ना, इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज आपको पहले ही बता देता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो वंचित हैं इस चीज से, इस इन्फॉर्मेशन से। मतलब वंचित का मतलब जिन्हें पता नहीं है, यहाँ पे टेलीग्राम पे फ्री सिग्नल्स मिलते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप मुझे पर्सनली, मेरे से बात कर सकते हैं। वॉल्यूम ट्रेड का भी लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसने रजिस्टर नहीं किया है वो रजिस्टर करके इस सीरीज को कंटिन्यू कर सकता है मेरे साथ। चलिए इस सीरीज पे एक बार फिर से पहली ट्रेड हमारी लगेगी अपवर्ड डायरेक्शन में, मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी है $3.5 और देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे ट्रेड जो आपकी स्क्रीन पे है, मैं सिंपली एक चीज करने वाला हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पे ट्रेड लगाऊंगा मैं फास्ट फॉरवर्ड करूंगा वीडियो को, ताकि आप डायरेक्टली रिजल्ट्स पे पहुंच पाए। देखिए यहाँ पे मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं ले सकता, क्योंकि एक मिनट वो ट्रेड सिर्फ रोल होती है, चलती जाती है, सिर्फ लगाने पे और एंडिंग पे मैं आपको वो चीज दिखाऊंगा, और उसके बाद हम आगे पहुंचेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट ट्रेड आप देख सकते हैं अभी लॉस में ही जा रही है, बट डजंट मैटर, देखेंगे अगर लॉस में जाती है तो मार्टिंगल फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी एक अच्छा सवाल है। तो हमारी फर्स्ट ट्रेड OTM जा चुकी है। अब इस कंडीशन में आपके पास सबसे अहम सवाल होता है, क्या हम मार्टिंगल्स को फॉलो करें। मार्टिंगल क्या है अगर जिसको नहीं पता है वो वीडियोस देख सकता है। और एक चीज और, आप लोग बोलेंगे स्ट्रैटेजी आपने यूज करी, इसके बेसिस पे आपने कैसे ट्रेड करी, इस स्ट्रैटेजी की भी मैंने स्पेसिफिकली वीडियो बनाई हुई है। यही रीजन है कि मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखाऊंगा हर एक चीज यहाँ पे, स्ट्रैटेजी में कौन सी यूज कर रहा हूँ, कैसे यूज कर रहा हूँ, ये चीज मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगा, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी चली जाती है। एंड ठीक है, मतलब आपको पता है लंबी वीडियोस ज्यादा टाइम, और आपके दिन में अगर आप 5 मिनट भी 6 मिनट देते हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसमें भी आपको मैं चाहता हूँ कम से कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखने को मिले, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं, सीधा काम की बात है। अब यहाँ पे हम सेकेंड ट्रेड लेंगे आज के दिन की। एक OTM हो चुकी है, जो सवाल मैंने आपसे पूछा था और आप भी मुझसे पूछेंगे, भाई यहाँ पे हमें मार्टिंगल यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मेरा जो जवाब रहेगा वो नहीं रहेगा, मैं तो नहीं करने वाला, आप चाहे तो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो कि हमारा जो बैलेंस है सिर्फ मात्र $52 है। अगर मैं मार्टिंगल को यूज करूंगा, $7 की ट्रेड लूंगा, तो लॉस में चला जाएगी। अगर वो ट्रेड लॉस में जाती है, इन दिस केस जो मोरल है वो काफी डाउन हो जाता है, ऐसा लगता है कि यार अभी तो सीरीज शुरू ही की थी और अभी मेरा लॉस हो गया। और मोरल सपोर्ट के लिए, मतलब ऐसा रहेगा मैं आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, मैं यहाँ पे सिर्फ $3.5 की ही ट्रेड लूंगा। तो फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पे है आज के दिन की हमारी सेकंड ट्रेड, पहली OTM थी, ये सेकंड ट्रेड है। और फास्ट फॉरवर्ड कर दें, जल्दी 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 बढ़ाते हैं, रिजल्ट पे मुलाकात करते हैं। फर्स्ट ट्रेड OTM, सेकंड ट्रेड ITM। अगर आप देखेंगे तो हमारे टारगेट के अकॉर्डिंगली हमें अभी काफी लंबा जो सफर है वो तय करना है। टोटल 5 ट्रेड ही लेनी है, 2 ऑलरेडी ले चुके हैं, तीसरी ट्रेड की तरफ बढ़ते हैं। क्या लगता है आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, इस कंडीशन में, क्योंकि लाइव आपके सामने ग्राफ है, इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, वी शुड वेट फॉर नेक्स्ट कैंडल या हमें कॉल के लिए या पुट के लिए जाना चाहिए। यहाँ पे महज एक कैंडल का वेट करने के बाद, ये दूसरी कैंडल अभी चालू है, अब ये फिनिश होगी उसके बाद मैं ट्रेड करूंगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी पुट की डायरेक्शन में। देखेंगे आप, यहाँ पे मैंने ट्रेड जो है वो प्लेस कर दी है पुट की डायरेक्शन, 1 मिनट, $3.5। जिन्होंने भी कमेंट सेक्शन में ये चीज कहा है कि हमें थोड़ा वेट करना चाहिए, मैं उनके साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। क्योंकि क्या ऐसे चांसेस थे कि ट्रेंड चेंज हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे चांसेस थे,
और उन चांसेस को इग्नोर करना थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए। और अभी आप देखेंगे ट्रेंड के साथ हमारा जो ट्रेड है वो जा रही है, बट लेट्स सी, वेट करते हैं रिजल्ट्स का। 2.80 यूएस डॉलर प्रॉफिट आज के दिन की हमारी तीसरी ट्रेड खत्म हो चुकी है, और हमारा जो प्रॉफिट टारगेट था वो $5 था, बट अभी तक हम नहीं पहुंच पाए हैं। यार देखो, वो एक ट्रेड हमारी ना स्टार्टिंग में लॉस हो गई थी, नहीं तो अब तक पहुंच जाते। कोई बात नहीं, हमारी फोर्थ ट्रेड आज के दिन की, देखते हैं कि किस डायरेक्शन में हमें लेनी चाहिए। मैंने जो ट्रेड है वो प्लेस किया है कॉल की डायरेक्शन में। आपका क्या विचार है, क्या ये ट्रेड आईटीएम जाएगी या नहीं जाएगी, कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपका पार्टिसिपेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा कि आपको पता है, लास्ट जो सीरीज थी उसमें आपने पूरा फुल पार्टिसिपेशन दिखाया था। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए थे, सर बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, लाइव ट्रेडिंग के ऊपर हमने अपना प्रेडिक्शन दिया और हमें एक्चुअली ग्राफ को जज करना हल्का थोड़ा समझ आया। तो यार मेरे लिए ना वो एक अचीवमेंट थी कि उस सीरीज से बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ, और मैं यही चाहता हूँ कि ये जो सीरीज है इसके एंड तक मुझे और भी बहुत सारे मैसेजेस सेम तरह के देखने को मिले आप लोगों की तरफ से। तो इसके लिए आप पूरा पार्टिसिपेशन रखिए, यूज कीजिए जो स्ट्रैटेजी मैं यूज कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैं यहाँ पे प्लानिंग कर रहा हूँ, और ये सारी प्लानिंग आप भी कीजिए आपके ग्राफ के साथ, आपकी ट्रेडिंग में अप्लाई कीजिए, एंड देखिएगा यार रिजल्ट जरूर आएंगे। यार ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं थी और ना ही मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, बट एक बार अगर आप यूज करेंगे और डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, तो आप खुद ही कमेंट करके बताइएगा। ये ट्रेड हमारी पॉजिटिव जा चुकी है, हमारा टारगेट जो था वो अचीव हो चुका है, क्योंकि फर्स्ट डे का हमारा टारगेट था $5, सेकेंड डे का भी टारगेट हमारा था $5। विद इन फोर ट्रेड, चार ट्रेड के अंदर ही हमने वो टारगेट कंप्लीट कर लिया। $60.64 तक हमारा अकाउंट जो है वो पहुंच चुका है दूसरे दिन के अंत तक। तो अभी तक सारी चीजें बहुत अच्छी चल रही है, और उम्मीद यही करेंगे कि हर एक दिन ऐसा प्रॉफिट और ये इतना इजी रहे जितना इजी आज था। ठीक है, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते भाई, पिछली बार देखोगे आप दो दो तीन तीन दिन तक भी लॉस देखने को मिला था सीरीज में, और यही एक ओरिजिनलिटी है, यही एक रॉ चीज है जो इस चैनल पे आपको देखने को मिलती है। बाकी सारे चैनल्स पे कहीं भी जाओ आपको नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे हर एक चीज आपको बेसिक से अंडरस्टैंडिंग के साथ सिखाई जाती है। कोशिश यही करता हूँ कि आपको हर एक चीज जो यहाँ पे हो रही है उससे आप रिलेट कर पाए, और अगर आप घर पे बैठ के भी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो भी आप इसी तरीके से ट्रेडिंग करेंगे, और आप भी अप्लाई करेंगे सारी चीजें तो सेम फॉर्मूला आपके ऊपर भी अप्लाई होगा। तो भाई यही रीजन है कि यहाँ पे मैं स्लो जाता हूँ, मैं फास्ट नहीं जाता। जाने को मैं फास्ट भी जा सकता हूँ, बट आपके साथ चलना है मुझे, दौड़ना नहीं है। अगर आपके से आपसे आगे दौड़ूंगा तो भाई चैनल बनाने का और ये चैनल स्टार्ट करने का जो मेरा मकसद था वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगा। तो आप भी साथ में कदम से कदम चला के मिलके बढ़ते रहिएगा, मैं भी बढ़ते रहूंगा, और तीसरे दिन हम कंटिन्यू करेंगे यानी डे थ्री के साथ, जहां पे हमारा अमाउंट होगा $60 का, डेली का टारगेट होगा $5, और सेम अमाउंट की हम ट्रेड करने वाले हैं। चलिए फिर मुलाकात करते हैं कल एक और एपिसोड के साथ, और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।